रुद्रप्रयाग के प्रसिद्ध लोक गायक एवं हास्य कलाकार नवीन सैमुअल की नई एल्बम मेरी इंदिरा का रंगारंग प्रस्तुतियों के बीच विमोचन हो गया है। रुद्रप्रयाग में आयोजित समारोह में जहां साथी कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी, वहीं नवीन द्वारा प्रस्तुत गीत को दर्शकों ने भी काफी सराहा। मुख्य रूप से प्रेम पर आधारित इस गीत में दो लड़कों के एक तरफा प्यार को दिखाया गया है। वहीं दर्शकों ने भी गीत की सराहना करते हुए कहा कि गीत में फूहड़ता नहीं है और परिजनों के बीच बैठकर इस गाने को सुना जा सकता है। इसमें मैं दरअसल में मंच से कॉमेडी करता था, तो एक विचार मेरे मन में आया था कि कहीं ऐसा भी हो सकता है कि दो लड़के हैं गांव के और वो एक ही लड़की के लिए लड़ झगड़ रहे हैं और उसके बाद वो लड़की उनको कहीं मतलब भाव महता कुछ ऐसी वो नहीं दे रही है और वो एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे हैं और लास्ट में वो लड़की जो उसका हस्बैंड है या उसका मंगेतर है या जो भी है वो उसके साथ निकल जाती है और वो दोनों फिर एक दूसरे के आंसू पहुँचते रहते हैं और फिर उस समय फिर वो एक साथ वो हो जाते हैं और उसके बाद दोबारा उनको अगर कोई लड़की दिख जाती फिर उनका वही वो जो लड़ाई झगड़ा है वो शुरू हो जाता है। तो वो उन दो कैरेक्टर को लेके है कि मेन वो दो कैरेक्टर है गाँव के। नवीन सैमुअल के जो जितने भी गाने अभी तक मैंने सुने हैं बहुत साफ समाज को परोसने की कोशिश इसने की है और इस गाने में एक तरफा प्रेम में दो लड़के एक तरफा एक लड़की से प्रेम करते हैं और अंत में उनको धोखा मिलता है। ये समाज में जो आजकल के युवा जो दिशा से भटकते हैं उनके लिए एक विशेष संदेश है कि आपको ये प्यार और ये इजहार इस प्रकार के कामों में नहीं रहना चाहिए, उसमें अंत में धोखा ही होता है, ऐसा समाज में परोसने की नवीन सैमुअल ने कोशिश की है। नवीन सैमुअल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा केदारनाथ इन पे हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखे। ब्यूरो रिपोर्ट, हेलो उत्तराखंड न्यूज, रुद्रप्रयाग।